वो पहले रोड पे जूस बेचा करते थे, फिर उन्होंने अपना एक म्यूजिक बिजनेस शुरू किया। जीरो से शुरू किया, लेकिन 500 करोड़ का वर्थ बनाया। लेकिन 46 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टी सीरीज के फाउंडर मालिक गुलशन कुमार थे। दिल्ली के पड़ोस दरियागंज के गलियों में इनके पापा जूस बेचा करते थे। गुलशन कुमार एक पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। पार्टीशन के बाद जो वेस्टर्न पंजाब था वो पाकिस्तान के अंडर आ गया, और जब वहाँ पे एंटी हिंदू दंगे स्टार्ट हुए तो इनका परिवार वहाँ से एज अ रेफ्यूजी आया था। गुलशन कुमार बहुत ही कम उम्र में ही अपने पापा के साथ काम करने लग गए थे, और ये शिव जी और वैष्णो माता के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। इन्होंने ऐसे ऐसे भक्ति सॉन्ग्स बनाए हैं जिनकी डिमांड मार्केट में आज भी है। आज भी वो गाने उतने ही पसंद किए जाते हैं। या फिर मेरी नजर में अगर किसी ने देवी देवताओं पे भक्ति गीत बनाए हैं तो वो सिर्फ गुलशन कुमार। ये इतने अच्छे इंसान थे, इतने नेक दिल थे कि ये भंडारा करवाते थे स्पेशली वैष्णो देवी के पास। ये बात याद रखना क्योंकि इस बात का जिक्र आगे भी कहानी में इनके मर्डर से रिलेटेड जो बात है उसमें आएगा। आज टी सीरीज के 260 मिलियन के अबाउट सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे गाने का व्यूज बिलियंस में पहुंचा है। लेकिन इन सब की स्टार्टिंग जो हुई थी वो कैसेट्स बेचने से हुई थी। जो आज का टी सीरीज है वो पहले सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। गुलशन कुमार ने इसी नाम से नोएडा में एक कंपनी भी खोला था, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया वो मुंबई चले गए। टी सीरीज के आने के बाद जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज थी उनको एक अलग ही डायरेक्शन मिल गया। और हाँ, आपने कभी ये सोचा कि जो टी सीरीज है उसमें टी का मतलब क्या होता है? कुछ ही देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, तो इसीलिए टी का मतलब त्रिशूल है। जब इन्होंने अपने कंपनी का नाम टी सीरीज रखा तो उसकी वर्थ उस टाइम पे 20 करोड़ थी, और ये बात है 1985 की। जस्ट उसके 6 साल बाद उसकी वर्थ हुई 200 करोड़। 6 साल में इन्होंने अपना बिजनेस 10 गुना कर लिया था। और जब इनकी डेथ हुई तो उस टाइम तक इनका बिजनेस 500 करोड़ का हो गया था। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड जो इन दोनों के बीच का कनेक्शन था ना, इनके मौत का कारण वही बना। टी सीरीज को पहला बड़ा ब्रेक मिला था 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक मूवी रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। उस मूवी के 8 लाख कैसेट बिके थे। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई थी और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। इसके बाद कुमार सानू को बहुत फेम मिला, वो नए किशोर कुमार बन चुके थे। और इसी फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को भी एक नई पहचान मिली। इसके बाद टी सीरीज ने बहुत सारे नए सिंगर्स को लॉन्च किया जिसमें सोनू निगम भी थे। दरियागंज में जूस का दुकान चलाने वाला लड़का इतनी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, और इंडियन म्यूजिक की तो सूरत ही बदल दी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो कैसेट्स को बेचते थे, उसी से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और बाद में उनका नाम भी पड़ गया कैसेट किंग गुलशन कुमार। 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे, सारे गामा जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए टी सीरीज ने लगभग 65% म्यूजिक मार्केट को कब्जा कर रखा था। उस टाइम की हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे, और उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वही दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर हो चुका था, और अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पे थे। गुलशन कुमार के मर्डर में भी अंडरवर्ल्ड का ही हाथ था। चार्जशीट में अबू सलेम का नाम आया था। तारीख 12 अगस्त 1997, मंगलवार का दिन था। गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का भी बंगला हुआ करता था। घड़ी में 10:10 हो रहे थे जब सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की मारुति एस्टीम से उतरे, और सामने शिव मंदिर था। जीत नगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल्स लगाकर मंदिर को नया बनवाया, और तभी से ये सुबह शाम रोज इस मंदिर में आकर के दर्शन किया करते थे। इनका रूटीन फिक्स हुआ करता था, और इस रूटीन पर 3 लोगों की नजर थी जो उस दिन गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े थे।
आगे क्या हुआ इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझने के लिए गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले कौन लोग थे और इसका क्या रीजन था। में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहम ने एक फिल्म प्रोड्यूसर को मरवा दिया था और इस इंसिडेंस के बाद और भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को थ्रेट कॉल्स आने लगे थे और उसमें गुलशन कुमार भी शामिल थे। उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें बॉडीगार्ड मुहैया कराया था। फिर आया साल 1997, नदीम श्रवण की जोड़ी हिट हुई थी और काफी फेमस भी हुई थी और उसी साल नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च किया। एल्बम का नाम था हाय अजनबी और इस एल्बम के कुछ गाने को नदीम ने खुद से गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीद ले और इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए गए बयान के अकॉर्डिंग गुलशन ने नदीम से ये कहा था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बातचीत के बाद टी सीरीज ने इनके राइट्स खरीद तो लिए, प्रमोशन भी किया, लेकिन फिर भी इनका एल्बम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। नदीम ने इन सारी बातों के लिए गुलशन कुमार को ही रेस्पॉन्सिबल माना कि अच्छे से पब्लिसिटी ना होने के कारण ये एल्बम फ्लॉप हुई है और इसी टाइम नदीम ने उन्हें धमकी भी दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आता है और दूसरे साइड होता है अंडरवर्ल्ड का डॉन अबू सलेम। वैष्णो देवी में तो रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, सामने से ये स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ 10 करोड़ की डिमांड रखी। और सेम कॉल में उसने अबू सलेम ने नदीम की म्यूजिक एल्बम को फ्लॉप होने के लिए उन्हीं को ब्लेम किया कि ये सब गुलशन कुमार की वजह से हुआ है। और फिर 4 दिन के बाद सेम कॉल आता है उन्हें थ्रेट करने के लिए। गुलशन कुमार के दोस्तों ने उन्हें ये सलाह दी कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जिन निर्देशकों पे पहले हमला हुआ था उनको पुलिस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। तो अब फाइनल वो दिन आ गया था और उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसे घर पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। पूजा पाठ करके 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं और कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होता है। उन्होंने देखा साइड में एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाके करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं और जो पूजा की थाली थी उसमें सारा सामान आसपास बिखर जाता है। यहाँ पे कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन उस घर में एक लेडी थी, उन्होंने उन्हें देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वो दूसरा दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिला। उनका ड्राइवर जो पूजा का कलश था उसे उठा करके हमलावरों की तरफ फेंकता है, लेकिन ड्राइवर के दोनों पैरों में गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद वो गुलशन कुमार के पास पहुंच जाते हैं। तब तक वो एक पब्लिक टॉयलेट के पास खड़े थे। दो लोग कुमार पर गोली चलाते हैं, कुल 16 गोली उनकी पीठ और गर्दन पे लगती है। वो दीवार का सहारा लेकर के खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम तक उनमें इतनी रेजिस्टिविटी नहीं बचती है। जैसे मूवीज में सीन होता है ना कि भक्त जो है भगवान के नीचे या भगवान के मंदिर में आकर के अपने प्राण त्यागता है, ठीक उसी तरह उस टाइम उस दीवार के ऊपर एक देवी माँ का चित्र था। 2 मिनट और सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींच के निकालते हैं और टैक्सी लेकर के चंपत हो जाते हैं। उसके आधे घंटे बाद पुलिस आती है और गुलशन कुमार को नजदीक के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की थी तो राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलेम का हाथ है और उसने ये भी बताया था कि डायरेक्टर राजीव राय और पर भी जो सलेम ने ही हमला करवाया था और ये सारी चीजें दाऊद के इशारों पर हो रही थी। दिल्ली ले जा करके गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो कुछ ऐसी है कि मई 1997 मतलब 3 महीने पहले की बात है, दुबई में दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अबू सलेम और साथ में एक और गैंगस्टर था उसकी मीटिंग होती है। ये सारी चीजें और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था
कि गुलशन कुमार को मार करके ये लोग एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। और इसमें एक और नाम सामने आया था, टिप्स कंपनी जो इनकी कॉम्पिटिटर थी उसके मालिक रमेश तैरानी का। पुलिस ने ये दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने भी गुलशन कुमार के मर्डर के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने उनमें से एक मर्डरर को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को तो रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई थी और उन्हें अदालत ने बेगुनाह माना। नदीम मुंबई छोड़कर के लंदन चला गया और वहां की नागरिकता ले ली उसने। और जहां तक अबू सलेम की बात है तो वो 2005 में पुर्तगाल से वापस लाया गया था, लेकिन उस पर कभी भी गुलशन कुमार के हत्या का केस चला ही नहीं। और इसके पीछे रीजन था कि पुर्तगाल और भारत के बीच एक समझौता हुआ था उसकी कंडीशंस। इस समझौते के अकॉर्डिंग अबू सलेम पर सिर्फ वही केस चल सकते और उन केस की लिस्ट में गुलशन कुमार के केस का नाम था ही नहीं, इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के टाइम पे अबू सलेम को एब्सेंट माना गया था, लेकिन वो दूसरे जेल में बंद था। इस केस का आखिरी फैसला 2021 में आया था। कोर्ट ने उन तीनों मर्डरर को तो उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन जो इस केस के मास्टरमाइंड थे नदीम और अबू सलेम, इनका कुछ भी नहीं कर पाया कोर्ट, क्योंकि नदीम जो है वो इंडिया रिटर्न आया ही नहीं और टेक्निकल इश्यूज के कारण अबू सलेम पे भी केस नहीं चल पाया। इसीलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लीगेसी आज भी मेंटेन है। म्यूजिक के दुनिया में टी सीरीज आज भी एक बहुत बड़ा नाम है।